रविवार 16 जून से दिल से जियो एच और केबल नेटवर्क पर उपलब्ध। अगर आप हमारा चैनल नहीं देख पा रहे हैं तो संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या टेक्नीशियन से। क्या बात है इस खूबसूरत देवी के लिए, एक बार जोरदार तालियां एवरीबॉडी, बिकॉज़ आंख खुली ये लोग अपने एंड से कुछ चीजें बताएं, कुछ ऐसी चीजें व्यक्त करें जो आप सभी ने फील करी है, महसूस करी है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट मेरे भाई से, साहिल जी प्लीज टेक ओवर। हेलो, हाय, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ सन नेटवर्क को एंड आर प्रोड्यूसर्स नंदिता मैम एंड पैरवी मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। शो के बारे में तो आपने देखा, बहुत ही खूबसूरत प्रोमो है और जो कास्ट है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं और अभी तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और टॉकमर्ट डगन जो मेरा कैरेक्टर है, बहुत ही जैसे बोलते हैं एक आइडियल हस्बैंड, आइडियल सन, उसके सामने अगर कुछ गलत हो रहा होता है ही टेक्स अ स्टैंड। अगर उसके फादर गलत हैं तब भी वो अपना स्टैंड लेता है और बहुत ही लॉयल है अपनी वाइफ के लिए। एंड सो या आई मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है, शो के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकता, बट अभी तक जो जर्नी रही है शो की अभी शुरुआत है एंड काफ़ी अच्छी रही है। और एक नए चैनल के साथ हम जुड़े हैं तो इट्स ऑलवेज गुड, जब एक नया चैनल आता है, नए शोज आते हैं तो उन शोज़ की एक रिकॉल वैल्यू होती है। जब भी उस चैनल के बारे में बाद में बात की जाती है तो हमेशा जो शोज लॉन्च होते हैं उनके बारे में भी बात होती है, उन चेहरों के बारे में बात होती है। तो इट्स अ प्लेजर कि हम सन नेटवर्क के फेसेस हैं और लुकिंग फॉरवर्ड टू द जर्नी। होपफुली हमारा शो सारी ऑडियंस को पसंद आए। सो या थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। एंड बाकी तो इन्होंने शो के बारे में बताया है, सो आई एम पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर ऑफ धारा जो कि गगन की वाइफ है और इस परिवार की बहू है। तो एनी अदर क्वेश्चंस? All right, thank you. थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमेशा प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। सबसे पहले तो मैं सन नियो को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उसमें हमारा जो शो साजा सिंदूर आ रहा है। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यारा, इतना अच्छा मौका दिया हमें। भैरवी मैम और नंदिता मैम की तरफ से भी पूरी टीम को, सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं इस परिवार की मुखिया हूँ, मेरा किरदार है माँ हुकुम, और माँ हुकुम का नाम ही मतलब ऐसा है कि घर में सब पर हक जताना, सबको अपना हुकुम बजाने के लिए कहना और अपनी ही सोच सबके माथे मढ़ना। मेरे बाजू में एक खड़ी है जो बहुत दुखी है मुझसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तकरार हमारे दोनों के बीच में होती है। और ज़्यादा कुछ ना कहूँगी, आप लोग आगे देखिए साजा सिंदूर। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
गुड इवनिंग, जैसा कि सब कह रहे हैं और आप लोगों का वेलकम यहाँ सेट पर, और थैंक यू सो मच आए हैं। मौसम बहुत अच्छा है बाहर भी और अंदर भी आप लोगों के साथ। नंदिता की तरफ से, भैरवी की तरफ से भी आप लोगों का स्वागत है और उनको शुक्रिया करना चाहूँगी। सन नियो को डेफिनेटली थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हम पर इतना विश्वास रखा है। वो एक नया शो, नया चैनल लॉन्च करें, उसमें जो शोज लॉन्च करें उसमें हमें लेने का सोचा, इन किरदारों में उन्होंने हमें देखा और उनको विश्वास है कि हम पूरी तरह खरा उतर पाएंगे। तो ये जिम्मेदारी भी है और खुशी भी है, कुछ नया करने की खुशी है और देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा है। नए हार्डवर्किंग लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं सेट पर, मतलब ये तो इतने मझे हुए हैं लगता ही नहीं है कि नए लोग हैं। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इन सब के साथ काम करके। नीलू जी इतनी एक्सपीरियंस्ड है और इनका और मेरा जो कैमराडरी है या जो एक कनेक्शन है शो में वो बड़ा ही कमाल का है। मेरा किरदार है साझा सिंदूर में। फर्स्टली साझा सिंदूर ये टाइटल मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे लगता है इट सेज अ लॉट। तो मेरा किरदार है सरोज। मैं एंटागनिस्ट प्ले कर रही हूँ तो नर्वसनेस है एंटागनिस्ट, लेकिन मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा लेयर्स है इस कैरेक्टर में, इतना कॉम्प्लेक्स है ये कैरेक्टर, तो मुझे प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है। नर्वसनेस है, डर है, एक्साइटमेंट है, सब कुछ है। आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक अ न्यू कमर ऑन अ न्यू चैनल। तो आप लोग हमें भी प्लीज़ विश अस ऑल द लक, पूरी टीम को, चैनल को, और हमारा चैनल ज़रूर देखिएगा। बहुत प्यार से शो बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ वॉच अस एंड गिव अस ऑल द लव। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसे कि इन्होंने बोला, देश में निकला हुआ चांद, मैं देखता था, मैं पला बड़ा हूँ ऐसे सीरियल्स देख करके। और मैम इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद इतने क्रेडिट्स दे रही हैं सब लोगों को, ठीक हो, मैं जानता हूँ कि ये अपने आप में ही एक छुपा हुआ हीरा है। That's what I was gonna comment, brother. Yeah. कि she hasn't aged a single day. एक दिन ऐसा नहीं लग रहा है कि I sleep in refrigerator. क्या बात है, इस बात में भी व्यंग छुपा हुआ है। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, मैं बोलना चाहूँगा हमारे मीडिया के जितने पत्रकार हैं यहाँ पर, वन ऑन वन बाइट्स के लिए हमारे सभी अभिनेत्री यहाँ पे मौजूद हैं। यू प्लीज गो अहेड फॉर द वन ऑन वन बाइट्स विद द साझा सिंदूर टीम एवरीबॉडी। पहले जनता तो कर रहा था भाई, यह सब थोड़ा क्लोज आ जाइए सब लोग। क्लोज क्लोज, थोड़ा सा क्लोज। फैमिली फोटो। मैंने ग्रे शेड्स भी पहले किए हैं, बट यार जब एक पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो चैलेंज होता है, बिकॉज आप ज़्यादा कुछ इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। बट हाँ, काफ़ी अच्छा बंदा है, लॉयल है, आइडियल सन है, उसकी दो माँ हैं, दोनों को इज्जत देता है और सही के साथ हमेशा खड़ा होता है। और इवन जब जो उसके कलीग्स हैं, जो उसके लिए, जो उसके वर्कर्स हैं, उनको पूरी इज्जत देता है। कई बार होता है ना, जो आपसे नीचे, आप उनसे बदतमीज़ी करते हैं, रियल लाइफ में बहुत लोग करते हैं, विच आई डोंट लाइक पर्सनली। तो वो कैरेक्टर दिखाया है कि जो उसके वर्कर्स हैं उनको भी वो इक्वल इज्जत देता है। तो बहुत ही बढ़िया बंदा है, काफ़ी कुछ सीखने को मेरे को भी मिलेगा जब आप ऐसा कैरेक्टर कर रहे होते हो। डेली आप उसकी अच्छी चीज़ें देखते हो तो कुछ ना कुछ तो शायद आप सीख ही लेते हो, तो आई एम श्योर ऑडियंस भी शायद उस कैरेक्टर से कुछ सीखे। सबसे पहले चैनल का बहुत अच्छा नाम है सन नियो, नाम के साथ ही लग नया रोशनी, नया सवेरा। आपने बहुत सारे काम किए, नया सवेरा मतलब नया शो भी, किस तरह किरदार है और कितना चैलेंज आपके लिए? चैलेंजिंग तो ये बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो इतने लेयर्स आएंगे इनकी ज़िंदगी में कि वो उसमें से भी सीखती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी।
तो दिस इज़ नॉट ओनली जस्ट द पॉजिटिव बट कहीं ना कहीं आगे चल के वो शायद ग्रे शेड भी हो सकती है. और जैसे आप जानते हैं इससे पहले मैंने नेगेटिव भी किया है, इसके पहले जो मेरा शो था एज अ लीड दैट वाज इन पॉजिटिव. तो अब वापस से अगर कहीं नेगेटिव में हम उतरेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग होगा. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड थैंक्स टू सन नियो एंड दिस प्रोडक्शन 24 फ्रेम्स. नंदिता मैम और भैरवी जी, उन्होंने दे वॉन्टेड मी टू डू दिस एंड रियली थैंकफुल टू देम कि इतना चैलेंजिंग रोल और इतना प्यारा किरदार है ये धारा, वो उन्होंने मुझे दिया है. क्योंकि धरा सिर्फ एक पत्नी ही नहीं है, वो आदर्श पत्नी तो है, उसके साथ साथ उसका हमेशा यही एक गोल रहा है कि वो अपने परिवार को भी उतना सुखी रखे, उतने ही खुशहाली से सबके साथ रहे. तो उसका गोल है बेसिकली कहीं ना कहीं एक आदर्श बहू बनने का. इस तरह मैं एक सीन देखा, मैंने काफ़ी अच्छा सीन था, शायद कुछ छलांग मार देते हैं पानी में, शूट कहाँ हुआ, काफ़ी बेहतरीन तरह से शूट हुआ है, बताना चाहेंगे लोकेशन के बारे में? छलांग मारी थी आपने? जी बिल्कुल, वो फूली ने किया था. फूली इज़ बेसिकली स्तुति गोयल, हमारे शो की लीड है वो हमारे साथ, बट सिंस शी वाज शूटिंग राइट नाउ तो नहीं पहुंच पाई है, बट यू ऑल शैल बी सीइंग हर सून. हाँ जी, मैं माँ हुकुम का किरदार निभा रही हूँ, घर की मुखिया हूँ. तो मुखिया का काम तो एक ही होता है कि वंश को आगे बढ़ाना, और कहीं कुछ रास्ते में रुकावट आ जाती है तो फिर माँ हुकुम खड़ी हो जाती है और रास्ते निकाल देती है. वैसे मैं सन नियो को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और साथ ही में हमारी टीम को और नंदिता मैम, भैरवी मैम, 24 फ्रेम्स की पूरी टीम को कि एक बहुत ही बेहतरीन शो साजा सिंदूर आप लोगों के बीच हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों से भी उतना ही प्यार इस शो को और उतना ही प्यार सारे किरदार को मिलेगा. हाँ जी, मैंने सोचा कि अभी इस कलर शेड्स की साड़ियाँ ज़्यादा मार्केट में आएँ, तो इसीलिए मैंने ये चॉइस की है. मैं बताती हूँ, ये जो कहानी है फूली गगन धरा की तो है ही, लेकिन साथ में ये कहानी माँ हुकुम की भी है, सरोज की भी है, और सरस की है, जो पहली बीवी है जसवंत ठाकुर की, जिसकी सरोज भी पत्नी है. दोनों जनरेशन में ऐसा होता है कि जो सिंदूर है साझा होता है. तो इनके जो पिता हैं उनकी भी दो शादी हुई है, और कहानी इनके उस तरफ अभी बढ़ रही है, तो ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना है. तो साझा सिंदूर ऐसा है वेर यू आर शेयरिंग योर लाइफ पार्टनर, यू आर शेयरिंग योर किस्मत, यू आर शेयरिंग योर, आप अपनी डे टू डे ज़िंदगी शेयर कर रहे हो, आप फैमिली शेयर कर रहे हो, सब कुछ शेयर कर रहे हो. तो साझा सिंदूर ये है कि सिर्फ इनकी जनरेशन में नहीं, हमारे जनरेशन में ये वहाँ से शुरुआत हुई है, जहाँ से हमारे जनरेशन में ऑलरेडी सिंदूर हम साझा कर रहे हैं, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन द शो. लेकिन इस जनरेशन की सोच अलग है, जो यंगर जनरेशन है उसकी सोच अलग है इस बात को लेकर, और जो एक जनरेशन एक पीढ़ी पीछे है उनकी सोच अलग है. वो कॉम्प्रोमाइज़ को सही मानते हैं, वो उनके लिए के नहीं जो ऑर्थोडॉक्स है या जो हम सुनते आए हैं पहले से वही सही है. लेकिन ये जो आज की जनरेशन है वो चीज़ों को समझना चाहती है, वो सही और गलत में फ़र्क करती है, वो चीज़ों को समझती है. आज की जनरेशन अपनी खुशी को पहले रखती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो पिछले जनरेशन को कभी सिखाया नहीं गया है. हमेशा से सिखाया गया है अपने पहले अपने परिवार का सोचो, खासकर औरतों को आखिर में अपना सोचो, इवन फॉर मेन आई थिंक यू नो कि आप अपने पहले अपने फादर का सोचो, ग्रैंडफादर का नाम आपको आगे लेके जाना है, फादर का नाम आगे लेके जाना है, और फिर बच्चा ऐसा पैदा करो कि आपका जो ख़ानदान है वो और आगे बढ़े. तो देर इज़ ऑलवेज प्रेशर, और ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की बात नहीं है, मेरे ख्याल से बाहर भी कई जगह पर है. टू कम टू योर क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टाइटल. जो चीज़ें होती है होती आई हैं पहले भी और लोग बात नहीं करते थे, लेकिन आज बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बोल लो, बिकॉज पीपल आर मोर वोकल, हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं. हम सिर्फ हम सीख नहीं दे रहे हैं किसी को कुछ, इट इज़ प्योरली एंटरटेनमेंट. कहानी बहुत गाढ़ी है, मैं ये बोलूँगी, हर किसी की कहानी है इसमें,
हर किसी की एक बैक स्टोरी है और बहुत तगड़ी बैक स्टोरी है और सब एक दूसरे से उलझे हुए हैं, सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फन। मैम ये स्टोरी स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट हम अगर कमेंट बॉक्स देखते हैं तो ऑडियंस का यही कमेंट्स होते हैं कि स्टार्ट में आपकी जितनी अच्छी स्टोरी होती है एंड ऑफ द डे वो ही सास बहू पर जाकर अटक जाती है, तो इसके बारे में आपको अब क्या करेगा। हर घर में सास और बहू होती है, हर घर में माता पिता होते हैं, हर घर में बच्चे होते हैं, तो लव स्टोरी भी हमारे शो में लव स्टोरी भी है, सास भी है, बहू है भी, सास और बहू कहाँ जाए भाई अगर सिर्फ यंगस्टर भी तो फिर तो कहानी जो इंडियन रूट्स है, जो इंडियन हमारे कल्चर है और जो कहानियाँ होती है वो बहुत फैमिली बेस्ड होती है एंड वी आर मेकिंग शोज़ फॉर द फैमिली। हम चाहते हैं कि फैमिली साथ बैठ कर देखे। ये जो साझा सिंदूर है, ये जो चैनल है, इसका देयर एम इज़ के फैमिली साथ आए, साथ बैठे और उन्हें कुछ ऐसा देखने ना मिले जो झिझक हो किसी परिवार के किसी भी वर्ग को या किसी भी एज के लोगों को झिझक हो देखने में कि अरे ये हमने क्या देख लिया। हाँ. तो वो है, इट्स एंटरटेनमेंट, वी आर नॉट ट्राइंग टू टीच एनीवन एनीथिंग। हाँ, पर सही और गलत का फ़र्क शो में हम भी बताते हैं और लोग बहुत ही ज़्यादा समझ जा रहे जो समझते हैं। जहाँ तक कॉमेंट सेक्शन की बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गाइस, आप चारों से पूछना चाहेंगे कि औलाद की कमी होने पर दूसरी शादी करा देना, ये कंसेप्ट टेलीविज़न पर पहले भी 2 से 3 बार रिपीट किया जा चुका है और ये वापस एक नए शोले में आ रहा है। हाँ जी। तो आर यू गाइस बीइंग एन एक्टर प्रिपेयर हो कि हम अपने किरदारों से कन्विंस करेंगे कि पहले वालों से ज़्यादा बेहतर हम कुछ दे रहे हैं आपको? देखिए, क्या है कि हम कन्विंस करना तो बहुत बड़ी बात है, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे ढंग से नई तरीके से पेश करें ताकि लोगों को समझ आए और लोगों के दिल को बुरा भी ना लगे और उनके दिल को हर्ट भी ना कर सके। टेलीविजन कितना बदला है जब आपने शुरुआत की और अब के टेलीविजन में, जब आप तो डिजिटल है काफी है, जब आपने शुरुआत की तो डिजिटल मैं कितनी बदली हूँ। अभी अभी इन्होंने कहा कि बचपन से आपको देख के आए हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ, टेलीविज़न हर किसी का अपना परसेप्शन है, जो आज लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी, हाँ आई हैव सीन अ लॉट, मतलब मैं 30 साल से ज़्यादा मैं टेलीविज़न कर चुकी हूँ। मैं चाइल्ड एक्टर थी जब मैंने काम करना शुरू किया और मैं बहुत लकी रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छे मेकर्स के साथ काम किया है। अभी लोग बहुत हैं, भीड़ बहुत हो गई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मतलब एकदम ट्रूथफुली एंड ऑनेस्टली आई एम आंसरिंग, पहले एक फैमिली जैसे काम करते थे, बहुत क्लोज्ड यूनिट होती थी और 20 लोगों में भी काम हो जाता था, 40 लोगों में भी काम होता था, आज 100 लोगों में भी काम हो रहा है, 150 लोगों में भी काम हो रहा है, बट मेरे ख्याल से आज कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि जितने जितने दिमाग है उतनी सोच है, उतने पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, उतने लोगों को आपको कन्विंस करना है, उतने लोगों को अपना काम भी सही करना है, मुझे लगता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बट देन इफ़ द हेड, हर डिपार्टमेंट का अगर आपका हेड स्ट्रांग है तो इट्स अ स्मूथ सेलिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन टू साहिल, मैं आपको जानना चाहूँगा, मान्या स्टोर में हमने देखा था स्क्रीन स्पेस के वजह से ये लेफ्ट शो, यहाँ पर जब आपके सामने स्क्रिप्ट आई तो क्या वो आपके स्क्रिप्ट सिलेक्शन का एक कोर पॉइंट था कि स्क्रीन स्पेस कितना होगा और इन फ्यूचर बतौर लीड फेस क्या वो हमेशा बना रहेगा आपके लिस्ट में सबसे? हम हर इंसान अपने करियर में, अपने लाइफ में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो मेरे को प्रॉमिस किया गया था वो शो में हुआ नहीं, बट हाँ यहाँ सिर्फ एक ही हीरो है, 2 हीरोइन है, तो यहाँ आई डोंट थिंक ऐसा कोई स्ट्रेस है मुझे, बट हाँ बट अब से आई मीन एक एक्सपीरियंस मेरा बुरा हुआ है तो उसके बाद से आई हैव मेड श्योर कि ये चीज़ पहले ही मैं बात की जाए इस बारे में कि आगे जाके कोई स्क्रीन स्पेस का इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैव ऑलवेज डन लीड रोल्स और मैं वही करना चाहूँगा। दो हीरोइन से तो बैक टू बैक रोमांस भी ज़्यादा करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, ये तो ऐड क्या बात है, पर्क्स ऑफ आवर जॉब सर, पर्क्स हैं हमारी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कहाँ पर बताओ कहाँ?